के जानकार गुलरेज शेख जी जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद गुलरेज जी। जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय मूल के वोटर्स का एक अहम योगदान है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले से इसकी तैयारी कर ली थी, भले ही वो हाउडी मोदी इवेंट हो या फिर वेलकम ट्रंप इवेंट हो? देखिए उमंग, जब नेट सेटिंग कॉम्पिटिशन होता है और चुनाव एज टू एज चलता है, तब एक एक वोट का महत्व बढ़ जाता है। और जहां तक इंडियन वोटर्स की बात है, वे एक अथवा तो बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर बल्क वोटिंग होती है और वे बहुत निर्णायक साबित होते हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए डेफिनेटली ट्रंप भी एक पॉलिटिशियन है, चतुर पॉलिटिशियन है, तो वे अपनी विश्वास जमा रहे हैं। और जहां तक इंडियन वोटर्स का विषय रहा है, ट्रेडिशनली जो भारतीय वोटर है वह डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट में रहा है, तो उसमें से जितना भी उनको मिल जाए, यहां तक कि पिछली बार हिलेरी क्लिंटन का भी जब चुनाव था तो अधिकांश भारतीय वोटर्स से जो वोट गए थे वे गए थे हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में, तो उसमें जितनी भी सेंधमारी कर सके वह ट्रंप के लिए गेनिंग होगी। प्लस अभी जो चुनाव की स्थिति है ना, कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि सर्वेस दिखा रहे हैं कि सभी सर्वेस में ट्रंप पीछे चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप पिछली बार भी पीछे चल रहे थे हिलेरी क्लिंटन से। अब इस पर दो तीन चीजें आती हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी श्योर शॉट नहीं कह सकते। देखिए पिछली बार जो हुआ था, बहुत सारे स्विंग स्टेट्स में जो ब्लैक वोटर कम निकला था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि आई कांट ब्रीथ मूवमेंट के बाद ब्लैक वोटर बड़ी संख्या में निकलेगा। लेकिन इस पे निर्णायक मोड़ जब हो सकता है, जब अमेरिका के जो गोरे हैं, जो श्वेत जनसंख्या है, वे ट्रंप को अपना श्वेत नेता यदि मानने लग जाए, तो 80% अमेरिका श्वेत है, तो फिर ट्रंप को हो सकता है कि एज मिल जाए। तो अभी बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज यह भी है कि आज तक कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट तब नहीं जीत पाया है जो ऑलरेडी कुर्सी पर बैठा है। जब इकोनॉमी लो जाती है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बदल जाते हैं। इकोनॉमी वर्तमान में लो है और यही कारण है कि ट्रंप इसको पूरी तरह से चाइना को मुद्दा बनाना चाहते हैं, ताकि इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रही है यूएसए में उससे थोड़ा बहुत ध्यान हटा सके। अब इस पर बहुत सारी चीजें आएंगी कि रेशियल कितना ज्यादा जो गैप आ चुका है व्हाइट में और ब्लैक के बीच में, वह कितना प्रभावशाली होगा। अब यदि आप वोटिंग पैटर्न की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले जो इलेक्शन के लास्ट डे से पहले वोटिंग हुई थी उसका अधिकांश पार्ट तो अभी हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग कोविड के उपरांत भी वोटिंग कर रहे हैं। अब वोटिंग किस लिए कर रहे हैं, दो चीजें हो सकती है, या तो सरकार को बदलना चाहते हैं लोग, या फिर रेशियल सुपीरियरिटी के नाम पर, हो सकता है कि ट्रंप की नीतियों के नाम पर वो वोटिंग कर रहे हो, तो ये देखना होगा। और अमेरिका का जो वोट दिखता है तो बहुत अलग वोट है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारे लोग सोचते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपको अमेरिका में ज्यादातर जो है वो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग मिलेंगे, और जैसे जैसे आप रूरल सेक्टर में जाते हैं अमेरिका के कम पढ़े लिखे गोरे लोग मिलते हैं, तो उनके विषय अलग होते हैं, वो रेशियल सुपीरियरिटी भी विषय आते हैं वहां पर, इमिग्रेशन भी विषय आता है, जॉब का भी आता है, तो ये सब चीजों को। और ट्रंप चाहे है वो उद्योगपति, लेकिन वो जो बोली बोलते हैं वो उन्हीं लोगों की बोली बोलते हैं। बिल्कुल गुलरेज जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रुक रहा हूँ, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर बनता है, जैसे कि अभी आपने बात बताई कि ट्रंप जो है वो बोली अपने अमेरिका का जो गोरा है वो ये मान ले कि ट्रंप जो है उनके नेता है, तो फिर वो गेम चेंजर हो जाएगा। फिर जो रेस का विषय आता है, जो नस्ल का विषय आता है, उसमें तो ट्रंप राइड कर लेंगे, अगर वह स्थापित नहीं हो पाता और केवल इकोनॉमी का विषय चलता है। देखिए इस चुनाव में एक और चीज मुझे जो दिख रही है कि फॉरेन पॉलिसी पर इतना चर्चा नहीं हो रही, डोमेस्टिक विषयों पर ज्यादा हो रही है। अमेरिकी चुनाव में फॉरेन पॉलिसी भी बहुत बड़ा विषय होता है। जहां तक कि आप देखिए कि पहला जो डिबेट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, उसमें फॉरेन पॉलिसी पर बात ही नहीं हुई थी, तो ये दर्शाता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है कितना निग्लेक्ट हो चुका है, ये कह सकते हैं कि बैक बर्नर पे चला गया है अमेरिकन चुनाव में। जो इसका दिख रहा है, ये 60 के दशक से तक का मैंने जो चुनाव ट्रैक किया है,
साठ के दशक तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि फॉरेन पॉलिसी इतनी बैक बर्नर पर गई हो जितनी इस बार गई है। तो इस बार ऐसा लगता है डोमेस्टिक विषय ही भारी है, उसमें सबसे बड़ा जो विषय रहेगा अर्थव्यवस्था, कोविड मैनेजमेंट और नस्लवाद। अब इनमें से यदि अर्थव्यवस्था और कोविड मैनेजमेंट जो है यदि वो हावी पड़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ सकता है, लेकिन यदि नस्लवाद जो है और रेशियल डिफरेंसेस जो है अमेरिका में वो भारी पड़ते हैं तो ट्रंप निकल जाएंगे। जी बिल्कुल गुलरेज जी, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी हो सकती है? देखिए एक बात है कि अमेरिका एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जरूर है, लेकिन अभी तक कोई भी अमेरिकी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। जी तो इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। जहां तक महिलाओं का विषय है, डेमोक्रेट पार्टी ने जो महिला उम्मीदवार रखी है भारतीय मूल की, वो एक महिला को वोट को अट्रैक्ट करने के दृष्टिकोण से, इंडियंस के वोट को अट्रैक्ट करने और ब्लैक के वोट को अट्रैक्ट करने, मतलब वो तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने महिला उम्मीदवार को उतारा है कि भारतीयों को भी साथ ले, ब्लैक को भी साथ ले और महिलाओं को भी साथ ले। अब फिर वही बात आती है कि देखिए बहुत सारी महिलाओं ने जिन्होंने पिछली बार ट्रंप को वोट किया था, ट्रंप के कुछ महिलाओं से संबंधित जो बयान आए उससे लेके खुश नहीं है, खफा है। जी, उसका प्रभाव जी, क्या पड़ेगा, विशेषकर श्वेत महिलाओं के ऊपर ये देखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल गुलरेज जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।